नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के कैलकुलस के जो नए चैप्टर है उसके ऊपर, ठीक है, जिसका नाम है एनवलोप एंड इवोल्यूट, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में एनवलोप एवं केंद्रज। आज का जो सेशन अपना रहेगा वो रहेगा इस एनवलोप के ऊपर। अगली क्लास में अपन देखेंगे इस इवोल्यूट को, यानी कि केंद्रज को चर्चा करेंगे एनवलोप के ऊपर। तो सबसे पहले अपन यही देखेंगे कि एनवलोप होता क्या है, ठीक है, किस प्रकार से किसी इक्वेशन का या किसी कर्व का एनवलोप फाइंड किया जाता है, एनवलोप किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एनवलोप से हर बार, या ये कहो कि इस पूरे से पूरे चैप्टर से हर बार आपको एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ठीक है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, आप राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले लगभग क्वेश्चंस को हम कवर भी करेंगे इस क्लास में। और इसकी जो कंटिन्यू रूप से, अगर कोई कैलकुलस पढ़ना चाहता है कंटिन्यू रूप से, कैलकुलस के साथ में फिजिक्स की क्लासेज, केमिस्ट्री की क्लासेज, मैथमेटिक्स की क्लासेज, ये सारी की सारी जो आपके कंप्लीट 9 पेपर्स चलते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, उन सभी 9 पेपर्स की जो कंटिन्यू रूप से क्लासें हैं वो अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर रेगुलर रूप से चल रही है, ठीक है। जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन ऐप है उसके ऊपर रेगुलर रूप से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की क्लासेज चल रही हैं, ठीक है। वहाँ आपके जो पेपर चल रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ करवाए जा रहे हैं, जिसकी एक छोटी सी नाम मात्र की एक फीस है, वो है 121 रुपये। बिल्कुल 121 रुपये में आपको कंप्लीट A to Z बीएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे कोटा से हो, भरतपुर से हो, बीकानेर से हो, जोधपुर से हो, उदयपुर से हो, राजस्थान से हो, शेखावाटी से हो, या अलवर से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका कोर्स सेपरेट रूप से आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर करवाया जा रहा है। और आई स्टडी ऑनलाइन इस 121 रुपये में, मतलब इतनी कम फीस में करवाने का रीज़न सभी स्टूडेंट जानते भी है। अगर कोई नया है तो उसको बता देता हूँ कि आई स्टडी ऑनलाइन का यही मोटो है कि हर एक स्टूडेंट पढ़े, ठीक है। अगर कोई पैसों की वजह से अगर पढ़ नहीं पा रहा है तो उसकी वजह से उसकी स्टडी नहीं रुकनी चाहिए, इसी वजह से ये कोर्सेज सिर्फ इसी शुल्क में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। और एक बेहतर क्वालिटी के साथ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ ये प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और इसी का रीज़न रहा कि लास्ट ईयर जो कोर्स थे वो यही कोर्सेज 99 रुपये में थे। और आप आई स्टडी ऑनलाइन का रिजल्ट भी देख सकते हो, हमने काफ़ी कम, मतलब ना के बराबर रिजल्ट आपको शो किया था, दिखाया था, अदरवाइज रिजल्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे और उनका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। हमने डिस्कस भी किया है, आपको कम्युनिटी में भी दिखाया है और भी जगह हमने उनको शो किया है ताकि आप देख सको, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छी स्टडी चाहते हो, ठीक है, तो आज ही आई स्टडी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से स्टोर के ऑप्शन पे जाएं और अपनी यूनिवर्सिटी क्लास और सेशन 2021-22 का देखें, अपने ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम देखें, क्लास का नाम देखें, उसके बाद उसको ज्वाइन करें और एक अच्छी स्टडी को कंटिन्यू रखें। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, तो अब करते हैं अपन शुरुआत अपने टॉपिक की, ठीक है, यानी कि एनवलोप के बारे में पढ़ते हैं। एनवलोप होता क्या है? एनवलोप क्या होता है, देखना, इसके बारे में ध्यान से सुनना कि एनवलोप किसे बोलते हैं। तो देखना, मान लो आपको f(xy α) = 0, ये कोई समीकरण दी हुई है, ठीक है, ये कोई समीकरण आपको दी हुई है या कोई वक्र आपको दिया हुआ है, ऐसा बोल सकते हो, जहां अल्फा यहां पैरामीटर है, अल्फा यहां पैरामीटर है, यानी कि प्राचल इसको बोलते हैं। अल्फा क्या है? पैरामीटर है, प्राचल है। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, प्राचल क्या होता है, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो देखना, मान लो आपके कोई एक इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन लेते हैं y बराबर, एक इक्वेशन में लिख रहा हूं y बराबर
क्वेश्चन ले लेते हैं एक बुक का, वाई बराबर एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। यहाँ मान लो एम प्राचल दिया हुआ है आपको, एम क्या दिया हुआ, प्राचल दिया हुआ है, यानी कि पैरामीटर दिया हुआ है। क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि ये प्राचल क्या होता है। तो ध्यान रखना कि इस एम की अलग अलग वैल्यूज के लिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में एम की वैल्यूज पुट करते जाऊंगा, ठीक है, एम की अलग अलग वैल्यू में लेता जाऊंगा और इस इक्वेशन में पुट करता जाऊंगा, तो हर बार मुझे एक नई इक्वेशन मिलेगी। मान लो मैंने पहले एम बराबर एक पुट किया तो मुझे एक रेखा की, कोई भी एक सरल रेखा की इक्वेशन मिल गई, एम बराबर दो पुट किया तो भी एक नई इक्वेशन मिलेगी, एम बराबर तीन पुट किया तो भी एक नई इक्वेशन हमें मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार करते करते और सारी की सारी जो लाइंस होगी वो एक दूसरे को स्पर्श करती हुई होगी। मान लो मैंने जब एक रखा इसमें तो एक जो लाइन बनी मान लो ये बन गई, ठीक है, उसके बाद मैंने मान लो m बराबर दो रखा तो एक लाइन इस प्रकार बन गई, m बराबर तीन रखा तो मान लो इस प्रकार, m बराबर चार, m बराबर पांच, m बराबर छह, सात, इस प्रकार से ये सारी की सारी लाइनें बनेगी और ये सारी की सारी क्या रहेगी, एक दूसरे को स्पर्श करेगी, ठीक है, या ये कहो कि ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, एक कुल का निर्माण कर रहे हैं, एक फैमिली को निर्माण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक फैमिली का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। एम की अगर अलग अलग वैल्यूज में पुट करता जाऊंगा तो आप देख सकते हो एक नई शेप आपको दिख रही है, मतलब इन सदस्यों का ये एक परिवार है, ठीक है। तो इसीलिए इस एम को क्या बोलते हैं, प्राचल बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब बात करते हैं अपन एनवलोप की, ठीक है। तो एनवलोप के बारे में देखना कि अगर मैं क्या करूं, यहां से इस m की वैल्यू को चेंज करता जाऊं, ठीक है, इस m की वैल्यू को मैं चेंज करता जाऊं तो मान लो मुझे इस प्रकार से ये सरल रेखाएं मिलती जाएगी, इस प्रकार से ये मुझे सरल रेखाएं मिलती जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपको दिख रहा है इन सरल रेखाओं की ये आकृति आपको दिख रही है, जब मैं इन सभी पॉइंट्स को मिलाता हूं, जब मैं इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाता हूं तो ध्यान से देखना आपको एक सर्कल दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। और सर्कल की इक्वेशन हम जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये क्या होती है दोस्तों, सर्किल की इक्वेशन होती है, यानी कि और यही आकृति मेरी क्या कहलाती है, एनवलोप कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, इस समीकरण का जो एनवलोप होगा वो क्या होगा, एक सर्किल होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो एनवलोप की डेफिनेशन पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हो कि आपको दी गई समीकरण में पैरामीटर को चेंज करने पर, ठीक है, जो एक नई इक्वेशन या नया वक्र जो मिलता है वही वक्र क्या कहलाता है, उसका एनवलोप कहलाता है। मैंने यहां क्या किया, इस एम की वैल्यू को चेंज करता गया, ठीक है, एम की वैल्यू को चेंज करता गया तो एक नई आकृति मुझे मिली, इस नई आकृति को ही हम क्या बोलते हैं, एनवलोप बोलते हैं। तो आप क्या कहोगे कि इस दिए गए वक्र का इस दिए गए समीकरण का जो एनवलोप होगा वो क्या होगा, एक वृत्त होगा, एक सर्किल होगा, जिसकी रेडियस क्या होगी, ए होगी, और ये आएगा। देखो मैंने अभी इसको सॉल्व करना नहीं बताया आपको, ठीक है, और ये इतना आपका काम का भी नहीं है, ठीक है, काम में आएगा आपको इसको सॉल्व कैसे किया जाता है वहां से, ठीक है। बस आपको एक छोटी सी बात बताई गई है कि एनवलोप क्या होता है, बस आप बस एक बार इतना ध्यान रखो कि इस प्राचल m को हटा दो, ठीक है, जो भी प्राचल जो भी पैरामीटर आपको दिया हुआ है उस पैरामीटर को आप हटा दो, हटाने के बाद जो नई इक्वेशन आपको मिलेगी वो इक्वेशन ही क्या कहलाएगी, आपका एनवलोप कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब हम बढ़ते हैं आगे, एनवलोप फाइंड कैसे किया जाता है, अब आता है अपना एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां से शुरू होता है, जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से अब स्टार्ट होगा। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन थी, ठीक है, इसके लिए आप ध्यान रखना एनवलोप क्या होता है कि भाई साहब जो भी इक्वेशन आपको दी गई है उसमें पैरामीटर एम को चेंज करने पर, ठीक है, जो एक नई समीकरण हमें मिलती है वही क्या कहलाती है, उसका एनवलोप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि भाई साहब ये एनवलोप फाइंड कैसे किया जाता है, ठीक है, एनवलोप फाइंड कैसे किया जाता है।
मेथड ऑफ फाइंड एनवलोप, एनवलोप ज्ञात करने की विधि। मान लो आपको एफ एक्स वाई अल्फा बराबर जीरो समीकरण नंबर एक, जहां ये बोलेगा अल्फा क्या है, पैरामीटर है, ठीक है, इसका एनवलोप हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे इस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यानी कि आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर अल्फा, ठीक है। हमें क्या करना है, जो भी पैरामीटर दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, आपको जो भी, ये नहीं कि इसका एक्स वाई के रिस्पेक्ट में आपको आकलन करे, ये बिल्कुल गलत है। आपको तो जो पैरामीटर दिया हुआ है उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इसका आकलन करना है। पैरामीटर मुझे यहां क्या दिया हुआ है, अल्फा, तो इस दी गई समीकरण का आपको अल्फा के रिस्पेक्ट में आकलन करना है, मीन्स एफ डेस एक्स वाई अल्फा बराबर क्या होगा, जीरो, इसका आकलन क्या हो गया एफ डेस, इसको समीकरण नंबर एक नाम दे दो, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेट अल्फा, देन वी गेट एनवलोप ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। बस ये इतना सा इसका मेथड है, ठीक है, बस इतना सा ही मेथड है। आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी हुई है उसमें जो भी पैरामीटर दिया हुआ आपको, उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद एक नई समीकरण मिलेगी, आप इन दोनों समीकरण को काम में लो, इन दोनों समीकरण को काम में लेकर आप इस अल्फा को एलिमिनेट कर दो। अल्फा को एलिमिनेट करने के बाद आपको जो नई समीकरण मिलेगी वो समीकरण ही क्या होगा, इसका एनवलोप होगा। चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, इसका एक केस नंबर सेकंड भी देखते हैं, ये आप डायरेक्ट याद रखना, यदि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है, जहां अल्फा क्या है, जहां अल्फा पैरामीटर है, तथा अल्फा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण है, क्या है दोस्तों, एक द्विघात समीकरण है। यह क्या बोल रहा है कि अगर आपके साथ सामने पैरामीटर की एक द्विघात समीकरण हो, मतलब पैरामीटर क्या है, अल्फा है, ठीक है, इस अल्फा के अंदर अगर आपके पास एक द्विघात समीकरण है, तब उसका डायरेक्ट आप एनवलोप याद रखना, तब उसका एनवलोप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो होगा। बोलो ये बात समझ में आई, ये इतनी सी कहानी थी इसकी जो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है। ये आता कैसे है, साहब इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो आपको मिलेगा 2a अल्फा प्लस b बराबर जीरो। यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप b की वैल्यू निकालो, ठीक है, यहां से आप या अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा बराबर माइनस का b अपॉन 2a, माइनस का b अपॉन 2a अल्फा की जगह पुट करो तो a माइनस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b इंटू बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी बराबर जीरो। क्लियर सभी स्टूडेंट को, आगे देखना, यहां से ये बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये 4, तो ये ए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी बराबर जीरो। यहां से देखो a से a कैंसिल हो गया, ठीक है, तो नीचे मेरे सामने बचेगा बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी बराबर जीरो। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां से देखो 4a तो ले लो साहब एलसीएम, ठीक है, तो ये तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस ये 2b स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो। 4a को यहां ले आओ और जीरो में भेज दो, मीन्स ये कितना हो गया 4ac, तो यहां से बचेगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर जीरो, माइनस कॉमन ले लो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। ठीक है, मेथड यही था,
मेथड कौन सा था? मेथड तो यही वाला काम में लिया है, इसके लिए हमने मेथड ने क्या कहा था पहले वाले ने कि भाई साहब जो भी आपको समीकरण दी हुई है उसमें जो भी पैरामीटर है उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आप करो अवकलन, अवकलन करने के बाद आपको एक नई समीकरण मिलेगी, उस समीकरण का और जो दी गई समीकरण है उन दोनों को काम में लेते हुए आप अल्फा को एलिमिनेट कर दो तो जो नई समीकरण मिलेगी वही क्या होगा, उसका एनवलप होगा। ये देखो यहां पर ये क्या है, हमें एक्स, ये इसको आप क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है, चाहो तो आप इसको क्वेश्चन भी मान सकते हो, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो, जहां अल्फा पैरामीटर है तथा अल्फा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो ये कह रहा है कि भाई साहब आप इस समीकरण का एनवलप फाइंड करो, इसका एनवलप बताओ, ठीक है। तो इसका एनवलप निकालने के लिए मैंने क्या विधि बताई थी, क्या मेथड बताया था कि जो भी समीकरण दी हुई है उसका अल्फा पैरामीटर के सापेक्ष क्या करो, अवकलन करो। इसका मैंने पैरामीटर के सापेक्ष अवकलन किया तो 2a अल्फा प्लस b बराबर 0, यहां से अल्फा का मान मैंने निकाल दिया, ये अल्फा का मान मैंने इस समीकरण में रख दिया, तो इस समीकरण में रखने के बाद मुझे मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 मिला, अपना काम हो गया, ठीक है। इसमें अल्फा कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, पैरामीटर को क्या करना था, एलिमिनेट करना था, पैरामीटर एलिमिनेट हो गया, मतलब हमें हमारी समीकरण मिल गई। बात समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर पैरामीटर के रूप, अगर आपको पैरामीटर में एक द्विघात समीकरण दी हुई है तो उसका डायरेक्ट एनवलोप आप याद रखना बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। किस कंडीशन में, अगर आपको पैरामीटर में एक द्विघात समीकरण दी हुई है, पैरामीटर में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उस कंडीशन में आपका जो एनवलोप होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये चीज आप डायरेक्ट याद रखें, ठीक है। तो एनवलप सभी स्टूडेंट निकालना सीखे होंगे इस क्लास में, ठीक है। अभी तो बहुत सारे हमें क्वेश्चंस करने हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, तो आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, इजी लेवल से हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन इसमें हम करेंगे, और एटलीस्ट 2 से 3 क्लासों में हम एनवलप पढ़ेंगे और 2 से 3 क्लासों में हम इवोल्यूट को पढ़ेंगे, यानी कि इसका जो प्रतिकेंद्रज है, केंद्रज है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेथड समझ में आया होगा, इक्वेशन दी हुई है पैरामीटर के सापेक्ष में अवकलन कर दो और जो पैरामीटर दिया हुआ उसको एलिमिनेट कर दो। तो क्वेश्चन लेते हैं अब एक, फाइंड द एनवलप ऑफ y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एनवलप ऑफ y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। क्लियर सभी स्टूडेंट को, करते हैं इसका साफ सॉल्यूशन, ठीक है। अपने पास कंडीशन क्या थी, जो भी यहां ध्यान रखना m पैरामीटर दिया हुआ है, m क्या दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, इस m को हमें हटाना है कैसे, सबसे पहले m के सापेक्ष इसका अवकलन करो, m के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान रखना ये y और x कांस्टेंट रहेंगे, इसमें सिर्फ m के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो y का तो 0, m का कितना हो जाएगा 1, x ऐसा का ऐसा, फिर माइनस का a अपॉन m स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। क्या क्या, m के सापेक्ष इसका अवकलन किया, इसका 0, m का 1, x ऐसा का ऐसा, 1 अपॉन m का क्या हो गया, माइनस का 1 अपॉन m स्क्वायर। अरे 1 अपॉन x का x के सापेक्ष अवकलन क्या करते हो, इसको ऊपर ले जाते हो, ठीक है, फिर माइनस 1 पीछे आ गया, x की पावर माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 x की पावर माइनस 2, इसको वापस नीचे ले जाओ तो ये मिला, मतलब 1 अपॉन x का अवकलन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसी प्रकार 1 अपॉन m का अवकलन m के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन m स्क्वायर, तो 1 अपॉन m का क्या हो गया, माइनस का 1 अपॉन m स्क्वायर। अगर आप एनवलप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले मैंने आपको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है, जिसकी प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पे पड़ी है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसकी प्लेलिस्ट भी इसमें पड़ी है, आपको मिल जाएगी। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जब तक आपको नहीं आएगा तब तक ये डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। आप कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये कैसे कर दिया सर ने, तो ध्यान रखना पार्शियल डिफरेंशिएट किया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहता है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसी के साथ में अवकलन करना है, बाकी सबको कॉन्स्टेंट मानना है,
ऐसा हमने पढ़ा था। यहां प्राचल क्या था, m था, m की वैल्यू निकाल दो, इसको इधर ले आओ, तो a अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू x, पलटी मार दो तो m स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो m बराबर a अपॉन x, m स्क्वायर तो m बराबर रूट a अपॉन x। क्लियर, ये a अपॉन x रूट की वैल्यू यहां इसमें रख दो तो देखना y बराबर रूट a अपॉन x इंटू x प्लस a अपॉन रूट a इंटू रूट x। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो y बराबर रूट x से हाफ पावर कैंसिल तो रूट a रूट x प्लस ये रूट कैंसिल तो रूट a इंटू रूट x, तो y बराबर ये रूट ए एक्स प्लस रूट ए एक्स, ये दोनों एड हो जाएंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, टू रूट ए एक्स मिल जाएगा, यानी कि इस समीकरण का जो एनवालोप होगा वो क्या होगा, y बराबर टू रूट ए एक्स। तो एनवालोप निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बस इतना सा ध्यान रखो जो भी पैरामीटर दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में आकलन कर दो, वहां से उस समीकरण को, ये दो नंबर समीकरण ठीक है, इस दो और एक को यूज लेते हुए इस पैरामीटर को आप हटा दो, ठीक है, पैरामीटर को भगा दो, पैरामीटर को भगाते ही हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, हमें जो एनवालोप निकालना होता है वो निकल जाएगा। तो यहां से देखो, मैंने यहां से m का मान निकाल दिया, m का मान मैंने यहां पुट कर दिया, तो मेरा देखो m हट गया, तो मुझे एक नई समीकरण मिली, उस समीकरण को ही हम क्या बोलते हैं, एनवालोप बोलते हैं। एक तरीका और है इसको सोल्व करने का, देखो कैसे, अभी बताते हैं कैसे। आप इसमें m को एलसीएम ले लो, m को एलसीएम ले लो, तो एम स्क्वायर वाई बराबर एम स्क्वायर एक्स प्लस ए अपॉन एम, इस m को इधर ले आओ तो एम वाई, इस एम वाई को उधर ले जाओ तो नई समीकरण मिलेगी एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस ए बराबर जीरो। क्लियर, ये क्या है, ये m के अंदर एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है, अरे m क्या है, पैरामीटर है, m क्या है, पैरामीटर है, ये पैरामीटर के अंदर एक द्विघात समीकरण आ गई ना, ठीक है, तो इसका एनवालोप डायरेक्ट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो होता है भाई साहब, ठीक है। तो देखो यहां से a का मान कितना है, ठीक है, a का मान कितना है, समीकरण अपनी होती है a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, कंपेयर कर लो, a का मान आपके पास है x, ठीक है, m का मान देखो क्या है इसका, सॉरी b का मान कितना है आपके पास, याद ध्यान रखना अल्फा की जगह m है, बस इसको m स्क्वायर लिख दो ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कंपेयर करोगे तो b का मान है माइनस का y और c का मान है सर a, समीकरण क्या होती है, बी स्क्वायर मतलब माइनस y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर इंटू ए का मान कितना है x इंटू सी का मान कितना है a, ठीक है, c का मान कितना है a बराबर जीरो, तो y स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स बराबर जीरो, ठीक है, तो y बराबर फोर ए एक्स, तो y स्क्वायर बराबर, तो y बराबर रूट टू, ये एक छोटा है ए एक्स, यही तो आ रहा था, देखो सेम आ रहा है ना दोनों में सेम आ रहा है, मीन्स आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हो, इस प्रकार भी कर सकते हो और डायरेक्ट इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, यही क्या होगा, इसका एनवालोप होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके हर टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उस हर एक टाइप को हम सोल्व करेंगे, ठीक है, और कंप्लीट जो कैलकुलस आपको लेक्चर सीरीज वाइज देखनी है तो आई स्टडी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करें, ठीक है, वहां पे आपको मिलेगी, वहां से आप सारे के सारे लेक्चर्स, पूरे के पूरे जो नौ पेपर्स आपके होते हैं, तीन फिजिक्स के होते हैं, तीन केमिस्ट्री के होते हैं, तीन मैथ के होते हैं, वो सारे के सारे आप प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कोस अल्फा, एक्स स्क्वायर साइन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कोस अल्फा बराबर ए स्क्वायर, समीकरण एक, ठीक है, ये बोल रहा है इसका एनवालोप फाइंड करो, अल्फा यहां पैरामीटर है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है सर, ये कह रहा है कि इसका क्या करो, एनवालोप फाइंड करो,
इसका एनवेलोप फाइंड करना है जहां अल्फा क्या है, मेरा पैरामीटर है। तो देखना यहां से अल्फा पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा, साइन अल्फा का अवकलन होता है कोस अल्फा, फिर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कैसा, और कोस अल्फा का अवकलन होता है माइनस का साइन अल्फा बराबर में जीरो। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इस वाई स्क्वायर वाली टर्म को उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर कोस अल्फा बराबर वाई स्क्वायर साइन अल्फा, इस साइन अल्फा को इधर ले आओ, कोस अल्फा को उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर बटे साइन अल्फा बराबर वाई स्क्वायर बटे कोस अल्फा। क्लियर? अब एक चीज देखो, मुझे तो इस अल्फा पैरामीटर को भगाना है, इसको हटाना है, मींस मुझे साइन अल्फा और इस साइन अल्फा और इस कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो यहां से इन दो समीकरण को, इस समीकरण को मींस इन दो टर्म को मैं यूज में लेते हुए इजीली निकाल सकता हूं। एक रूल पढ़ा होगा आपने जिसको हम बोलते हैं रेशियो रूल, ठीक है, अनुपात समानुपात नियम, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने। दसवीं क्लास तक चलता था कि सर a अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी है, तो इसको आप a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी भी लिख सकते हो, याद होगा। एक चीज देखना यहां से कैसे, एक बटा दो बराबर दो बटा चार, बराबर है क्या रेशियो में? बिल्कुल सर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक चीज और देखो, एक बटा दो बराबर तीन बटा छह, बराबर है क्या? बिल्कुल सर बराबर है। देखो इसका भी एक बटा दो आएगा, इसका भी एक बटा दो आएगा, और देखो तीन बटा छ बराबर चार बटा आठ, बराबर है क्या? बिल्कुल सर बराबर है। अब दोनों को जोड़ो, ए प्लस तीन बटा दो प्लस छ कितना है? चार बटे आठ। क्या एक बटा दो बराबर तीन बटा छ बराबर चार बटा आठ सही है क्या ये कंडीशन? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी एक बटा दो ही है, ये भी एक बटा दो ही है, ये भी एक बटा दो ही है। अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं, क्योंकि नए नए आए हैं प्रमोट होकर, तो उनको शायद नहीं समझ में आया कि ये बराबर, आप कई सोच रहे हैं कि ये बराबर कैसे हो गया? अरे काट दो तीन के पहाड़े से, एक दो एक दो, एक बटा दो एक बटा दो एक बटा दो, बराबर ही तो है, अलग अलग थोड़ी ना है, बिल्कुल नहीं है साहब। कहने का मतलब है कि अगर ये दो रेशियो बराबर होते हैं तो दोनों का योग भी हमेशा बराबर होता है, चाहे आप यहां से भी देख सकते हो, एक प्लस दो कितना हो गया तीन, दो प्लस चार कितना हो गया छह, क्या बराबर है क्या? बिल्कुल सर बराबर है, एक बट ये भी एक बटा दो ही है, ये भी एक बटा दो ही है, ये भी एक बटा दो ही है। इसको देखो चार तीन सात बटे चौदह, क्या बराबर है क्या? बिल्कुल सर ये भी एक बटा दो ही है, ये भी एक बटा दो ही है, ये भी एक बटा दो ही है। मीन्स अगर ये दो रेशियो बराबर होते हैं तो उनका योग भी क्या होता है? बराबर होता है। यही रेशियो रूल होता है, अनुपात नियम होता है, आपने पढ़ा होगा, ये रूल रट लो। वैसे आप सभी स्टूडेंट ये चीज जानते हैं, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को नहीं ध्यान में, तो ये रूल ध्यान में रखना, दो रेशियो अगर बराबर है तो उनका योग भी हमेशा बराबर होगा। ये इस एनवेलोप में सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है, क्योंकि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है तो यही रूल काम में आके हम वैल्यू निकालते हैं। अब देखो इन समीकरण में क्या करूं मैं, कि नीचे वाला ये कोस अल्फा साइन अल्फा हट जाए। सर अगर हमें इसका साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा दोनों को जोड़ देता हूं तो नीचे एक बन जाता है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले स्क्वायर करो इस टर्म का, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करोगे तो मुझे मिलेगा एक्स की पावर फोर बटे साइन स्क्वायर अल्फा बराबर वाई स्क्वायर वाई की पावर फोर बटे कोस स्क्वायर अल्फा बराबर, ठीक है। अब इन, अब भी कोई फर्क पड़ेगा क्या इनका? स्क्वायर करो, चार बटे सोलह बराबर नौ बटे छत्तीस, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी एक बटा चार है, ये भी एक बटा चार है, जोड़ दो तो भी एक बटा चार ही मिलेगा, तो भी कितना मिलेगा सर? एक बटा चार ही मिलेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो आगे बढ़ते हैं, यहां से देखना दोनों को जोड़ दो तो कितना मिलेगा, एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर बटे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है? एक होता है, ठीक है, तो ये तो हट गया, मींस ये आ गया। अब यहां से आप इजीली साइन अल्फा कोस अल्फा का मान निकाल सकते हो। सबसे पहले देखो इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, इसको छुपाओगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी एक्स की पावर फोर बटे साइन स्क्वायर अल्फा बराबर एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर। यहां से पलटी मार दो, ठीक है,
तो साइन स्क्वायर अल्फा बटे एक्स की पावर 4 बराबर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, यहां से एक्स की पावर 4 ये भी तो पलटी मारेगा, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? आगे देखना, यहां से एक्स की पावर 4 को उधर ले जाओ तो नई समीकरण मिलेगी साइन स्क्वायर अल्फा बराबर एक्स की पावर 4 बटे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। यहां से साइन अल्फा बराबर मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर बटे रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, मीन साइन अल्फा का मान आ गया। अब इसको छुपा दो, अब इसको छुपा दो और कोस अल्फा का निकाल दो, तो सिमिलरली कोस अल्फा बराबर मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। तो साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, कोस अल्फा की वैल्यू आ गई, इस समीकरण में रख दो तो देखना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 बटे अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बटे अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसको उधर ले जाओ, ठीक है, यहां से यह सीधा दिख रहा है, नीचे 1/2 पावर है, ऊपर पूरी पावर है, तो आधी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का अंडर रूट बराबर ए स्क्वायर। स्क्वायर करो तो कर दो, तो स्क्वायर करोगे इस टर्म का तो मिलेगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर 1 की पावर 4। यानी कि इस समीकरण का जो एनवालोप आएगा वो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर 1 की पावर 4। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार ये एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट होता है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर साइन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कोस अल्फा बराबर ए स्क्वायर। ये बोर्ड जब भी ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा ना, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पूरे को उठाना है, साइन अल्फा पूरे को उड़ा दो, कोस अल्फा पूरे को उड़ा दो, काम हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू निकाल दो, इसके लिए सबसे पहला काम तो सेम ही करना पड़ेगा भाई साहब, जो भी पैरामीटर दिया हुआ है उसके सापेक्ष अवकलन तो करना ही करना पड़ेगा। तो पहला काम तो मैंने ये यहां कर दिया, साइन अल्फा का अवकलन होता है कोस अल्फा का अवकलन होता है माइनस साइन अल्फा, ठीक है, इसको उधर ले गया तो ये एक नई समीकरण आ गई। रेशियो रूल हमने पढ़ा है, ठीक है, रेशियो रूल हमने पढ़ा है कि अगर दो रेशियो बराबर हैं तो उन दोनों का योग भी क्या होगा, बराबर ही होगा, दोनों का मैंने स्क्वायर करके जोड़ दिया तो ये टर्म मिल गई। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि सर मुझे दिख रहा था अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यहां साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा, यहां कोस स्क्वायर अल्फा बनेगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बनेगा जिसका मान 1 हो जाएगा, तो वहां से साइन अल्फा कोस अल्फा की कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो मैंने जोड़ दिया, ये आ गया। अब इन इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, पहले इसको छुपा लो, ठीक है, तो यहां से साइन अल्फा मिल जाएगा, फिर इसको छुपा लो तो यहां से कोस अल्फा मिल जाएगा, तो साइन अल्फा कोस अल्फा की ये वैल्यूज मुझे मिल गई। उसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे इस साइन अल्फा की वैल्यू यहां पुट करनी थी और इस कोस अल्फा की वैल्यू मुझे यहां पुट करनी थी, और दोनों वैल्यूज को पुट करने के बाद मैंने सोल्व किया एलसीएम लेके, ठीक है, तो मुझे मिला यहां से अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर कर दिया तो इसका अंडर रूट हट गया, अंडर रूट हटने के बाद मुझे मिला एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर ए की पावर 4। तो यह हो गया इसका एनवेलोप। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, तो इस टाइप के हम और भी क्वेश्चन करेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इस एनवालोप को कोशिश करेंगे अगली या उससे अगली क्लास में कंप्लीट करने की, ठीक है। 5 से 6 क्लासों में आपका ये एनवालोप और इसके साथ में जो इवोल्यूट का चैप्टर है दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और ध्यान रखना इन दोनों पार्ट से एग्जाम में हर बार आपको एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ठीक है। आई थिंक पूरा का पूरा जो मैटर था आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एनवालोप क्या होता है कि आपको जो भी इक्वेशन दी हुई है उसमें जो भी पैरामीटर दिया हुआ है उसको चेंज करते जाओ, उसकी वैल्यूज को बदलते जाओ। वैल्यूज को बदलते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक परिवार मिलेगा, एक फैमिली मिलेगी। ठीक है, मतलब एक बार एम की वैल्यू मिली रखी तो एक सदस्य मिला, दूसरी मिली तो दूसरा सदस्य मिला, तीसरा सदस्य मिला, और ये सारे क्या रहेंगे, एक दूसरे के टच में रहेंगे। टच में रहेंगे तो ये एक फैमिली का निर्माण करेंगे और उसी को क्या बोलते हैं, एनवालोप बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको जो दी गई समीकरण है उसमें पैरामीटर को चेंज करने पर, बदलते रहने पर हमें क्या मिल जाता है, एनवालोप मिल जाता है। या ये कहो जो समीकरण दी हुई है उसमें से पैरामीटर एम को रिमूव करने पर हमें क्या मिलता है, पैरामीटर मिलता है। ठीक है, निकालते कैसे हैं कि भाई साहब जो भी समीकरण दी हुई है ठीक है उसका अवकलन कर दो। अवकलन करने के बाद दी हुई समीकरण और जो नई समीकरण आई है दोनों में से पैरामीटर को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, तो हमें एक नई समीकरण मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, एक नई समीकरण मिलेगी, वही क्या होगा, उसका एनवालोप होगा। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम इसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये जो अंतिम क्वेश्चन हमने किया था, जो पहले दो क्वेश्चन किए थे वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, वहां से हमने ये सीखा था कि एग्जैक्ट में एनवालोप निकाला कैसे जाता है उन दो क्वेश्चन से। ठीक है, लेकिन जो थर्ड वाला क्वेश्चन था ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है और आगे भी इसके पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। कैलकुलस का पेपर आपके सबके फर्स्ट ईयर में चलता है और उसमें ये एनवालोप का पार्ट भी सब में चलता है। ठीक है, और बाकी सेपरेट क्लासें आपको चाहिए पूरी की पूरी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहां से आप आज ही ज्वाइन करें। ठीक है, तो अब इसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में और कुछ क्वेश्चंस की करेंगे हम साथ में प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जिससे बाहर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।